जिले के जावत थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम अरनिया महादेव में विगत दिनों धनगर गायरी व मीना समाज के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में धनगर गायरी समाज के 65 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोप में पुलिस ने मीना समाज के 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद गायरी समाज ने दोषियों के मकान ध्वस्त करने की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। वहीं अब उक्त मामले को लेकर मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में बुधवार को सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने मेसी फर्गुसन शोरूम चौराहा से विशाल रैली निकाली और एसपी कार्यालय के समीप सड़क पर करीब 15 मिनट जाम भी लगाया। इसके बाद वह एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक फूल सिंह परस्ते को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 11 जून 2023 को बाल कौरी बाई पति स्वर्गीय कचरूलाल मीना, उनकी पुत्री पूजा व पुत्र ईश्वर खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे। तभी राम प्रसाद पिता बगदीराम गायरी, जगदीश पिता बगदीराम गायरी, राम प्रसाद की पत्नी सुशीला बाई, जगदीश की पत्नी शिवकन्या बाई व बहन कुशा एवं रमेश पिता बाबूलाल गायरी, रमेश पिता गोपाल गायरी, मुकेश पिता नानूराम गायरी, दिनेश पिता नंद किशोर गायरी, कमलेश पिता नंद किशोर गायरी सहित 15 से 20 गायरी समाज के लोग ट्रैक्टर में सवार होकर खेत पर पहुंचे और बाल कौरी बाई मीना व पुत्री पूजा मीना एवं पुत्र ईश्वर मीना के साथ गाली गलौज कर लाठी व लात घूसों से मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। तभी बाल कौरी बाई का पुत्र देवीलाल मीना भी मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करने गया तो उक्त सभी 15 से 20 लोगों द्वारा देवीलाल के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर सभी मौके से फरार हो गए। ज्ञापन में बताया गया कि कचरूलाल पिता ओकारलाल रावत मीना के द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि को 19 मार्च 2015 को एक अनुबंध पत्र बगदीराम पिता कालूराम गायरी के पक्ष में निष्पादित करवाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होना शुरू हो गया। उक्त मामले में कचरूलाल व बगदीराम की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात भूमि बाबत बगदीराम गायरी के परिवार के सदस्यों के द्वारा आए दिन विवाद मारपीट की जाती रही, जिसकी शिकायत सरवानिया पुलिस चौकी पर दर्ज है। जिस दिन उक्त भूमि का विवाद हुआ उसके कुछ दिन पूर्व ही मीना समाज में परिवार के सदस्य की मौत हो गई थी, जिस पर मीना समाज का परिवार उक्त कार्य में लगा हुआ था, जिसका फायदा गायरी समाज के लोगों द्वारा उठाया गया। मीना समाज ने पुलिस की एक तरफा कार्यवाही पर भी सवाल उठाए हैं और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इसके साथ ही मीना समाज के लोगों ने मौके पर विवाद की बनाई गई वीडियो भी सीडी के रूप में पुलिस अधिकारियों को सौंपी है और बताया कि गायरी समाज के व्यक्ति की मौत किसी और के हमले से हुई है, मीना समाज के परिवार के लोग इसमें कहीं भी दोषी नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मीना समाज के जिला अध्यक्ष डूंगरमल रावत, दिलीप रावत, दिनेश मीना, गोविंद मीना, कालूलाल मीना, शंकरलाल मीना, जगदीश मीना, राहुल मीना, नंद किशोर मीना, शांतिलाल मीना, सुनील मीना सहित बड़ी संख्या में मीना समाज के महिला व पुरुष मौजूद रहे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।